बस कुछ सेकंड रुकते हैं, उसके बाद में क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। तो गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है कि आज से हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास 9th के लिए मैथ्स पढ़ने वाले हैं। आज आपकी फर्स्ट क्लास है, करने वाली है हम लोग, आज से हम लोग रेगुलर पढ़ने वाले हैं ना। आपको ग्रुप में ही बताया गया होगा, व्हाट्सएप ग्रुप में, या आपके स्कूल में भी बताया गया है। तो देखते हैं क्या क्या बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है। काफी सारे क्वेश्चन आपके मन में आ गए होंगे, कितने दिन क्लासेस चलेंगी, क्या टाइम रहेगा, किस तरीके से क्लासेस होंगी, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, क्या क्या करवाया जाएगा, तो ये सारे आज डिस्कस कर ले, है ना। तो चलिए, पहला चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो आपकी ऑनलाइन क्लास कराई जा रही है, जहां पर हम लोग रेगुलर मिलने वाले हैं, कुछ सीखने वाले, तो ये कौन सी संस्था के द्वारा करवाई जा रही है ना। तो ये संस्था का क्या नाम है, अवंती। अवंती क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है, जिसके द्वारा ये ऑनलाइन क्लास लगने वाले। आप इस तरीके से समझ सकते हो कि आप सभी बच्चे स्कूल जाते हो ना, सभी लोग स्कूल जाते हैं, सभी के स्कूल का कुछ ना कुछ नाम है ना। कोई अलग अलग स्कूल में सभी के स्कूल का कुछ तो नाम होता है। तो स्कूल में क्या करते हो, आप कुछ सीखते हो, उसी तरीके से यहाँ पर जो ऑनलाइन आज हम लोग मिले हैं सभी लोग, यहाँ पर भी आप कुछ सीखोगे। तो आप एक तरीके से कह सकते हो कि ये आपका क्या है, ऑनलाइन स्कूल है। तो दोनों ही चीज करना है। सुबह के टाइम पर तो आप स्कूल जाते हो, वहां से सीखते हो, इवनिंग में यहाँ पर आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है। तो दोनों ही फायदा होगा, आप स्कूल पे भी सीख पाओगे, यहाँ पर भी सीख पाओगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखा हुआ दिख रहा है, नीव। नीव क्या है, नीव एक प्रोग्राम है ना, एक कार्यक्रम है जो अवंती के द्वारा चलाई जा रही है, ठीक है। तो आप कह सकते हो अवंती एक संस्था है, और इस संस्था के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया है नीव, और यही नीव प्रोग्राम के तहत हम लोग ये सारी क्लासेस करने वाले, ठीक है। अब इसका नाम नीव क्यों है, और नीव प्रोग्राम में क्या करने वाले, यही हम लोग देखते हैं। नीव, अच्छा किसी का माइक ऑन है, तो सबसे पहले तो मैं ये बता रहा था कि माइक सभी को बंद रखना है। अशोक के नाम से जो बच्चे हो, आप अपना माइक बंद कर दो, ठीक है। अब नीव क्या है, तो नीव का मतलब क्या था, बेस, किसी भी चीज का आधार, है ना। तो देखते हैं नीव क्या है, नीव प्रोग्राम में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो नीव प्रोग्राम में जैसा कि मैं बता रहा था, काफी बेसिक चीजों को पढ़ेंगे। जैसे अगर आप क्लास 9th के मैथ्स को देखते हो सकता है इसमें कुछ आपको परेशानियां आ रही होंगी जब आप पढ़ रहे होगे, है ना। ऐसा परेशानियां इसलिए आ रही है क्योंकि हो सकता है क्लास 8th की चीज, अच्छा अशोक के नाम से जो बच्चे, आपका बार बार माइक ऑन हो रहा है, ठीक है। तो आप ट्राई करो कि आपका माइक नहीं ऑन, क्योंकि आप माइक ऑन कर रहे हो पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है, ठीक है, मेरी आवाज किसी को नहीं जाएगी, ठीक है। तो आप माइक पर क्लिक मत करिए बस, ठीक है। चलिए अभी के लिए मैं आपका माइक बंद कर दिया हूँ, अभी माइक नहीं होता। तो मैं ये बता रहा था कि जब आप क्लास 9th की सिलेबस को पढ़ते हो सकता है कुछ चीजें आपको नहीं समझ में आ रही। ऐसा क्यों हो रहा है, हो सकता है क्लास 8th की चीजें आपने मिस कर दी है। आपने पढ़ा तो है पिछले क्लास में, लेकिन आप अभी भूल गए हो, ठीक है, या मिस कर गए। क्लास 7th की चीज आपने पढ़ा तो है, लेकिन आप अभी भूल रहे हो। क्लास 6th की चीज, तो ये सारे क्या होते हैं, मैथ्स में सारे चीज एक दूसरे से लिंक होता है ना, जुड़ा हुआ होता है। कोई भी चीज आप अगर भूल गए हो, तो हो सकता है कि क्लास 9th की चीज समझने में प्रॉब्लम होगी, है तो यहाँ पर हम लोग यही करने वाले हैं कि सारे कॉन्सेप्ट्स, जो चाहे कितने भी बेसिक हो, जो आपको क्लास 9th के सिलेबस को पढ़ने के लिए पता होने चाहिए, वो सारे चीज हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और जब सारी चीज आप सीख जाओगे, तो क्लास 9th का चीज आप ऑटोमेटिकली स्वाभाविक रूप से आपको आसान लगने लगेगा, ठीक है। अब बात उठता है कि हम लोग ये प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोग्राम करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि काफी बच्चों को ऑनलाइन क्लास के बारे में नहीं पता है, ठीक है। तो ऑनलाइन क्लास सभी तक नहीं पहुंच पाई, है ना। तो आप सभी लोग, कुछ बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, काफी सारे फीचर आपको पता होंगे, लेकिन सभी को नहीं पता है ना। तो सबसे पहला फायदा तो ये होगा कि ऑनलाइन क्लासेस के बारे में आप सभी को पता चल जाएगा। दूसरा, मैथ्स को जब भी आपको पढ़ाई जाती है, मैथ्स में आप अलग अलग चैप्टर्स देखते हो, अलग अलग फॉर्मूले देखते हो, क्वेश्चन आता है आप उसे सॉल्व कर देते हो, है ना। लेकिन डेली लाइफ से जब आप उसको रिलेट करके देखोगे, यहाँ पर अलग अलग तरीके के आपको एग्जाम्पल दिखाए जाएंगे मैथ्स पढ़ते वक्त, जिसको आप डेली लाइफ से रिलेट कर पाओगे। मतलब आप अपने आस पास जब डेली लाइफ में मैथ्स को देखते हो, तब आपको उसमें इंटरेस्ट जगेगा, और जब कोई भी चीज में इंटरेस्ट जाएगा, तो वो चीज आसान लगने लगेगी, है ना। तो हम लोग अलग अलग तरीके से मैथ्स को डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो हर चैप्टर का कहीं ना कहीं आप डेली लाइफ में यूजेस को देख सकते हो। कोई बच्चा ऐसा नहीं कह सकता कि आप डेली लाइफ में, मतलब दैनिक जीवन में मैथ्स को यूज नहीं करते, वेरियस पर्पस से आप यूज करते हो। जैसे कि आप लेन देन, शॉपिंग करने गए मार्केट में, कुछ सामान खरीदा, वहां पर मैथ्स को यूज करते हो, है ना।
क्रिकेट देखते होंगे, काफी बच्चे को क्रिकेट पसंद होगा, अभी आईपीएल चल रहा है ना, वहां पर आप देखते हो कि स्टिक में कितने रन बनाए, कितने ओवर में कितने रन बनाने हैं, तो ये सारे चीज में मैथ्स लगता है। तो बस करना क्या है, डेली लाइफ से आप अपने आसपास में मैथ्स को रिलेट करके देखना है, ठीक है, फिर चीजें आसान लगने लगेंगी, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, ठीक है। अगले बढ़ते हैं कि ये प्रोग्राम हम लोग कैसे करने वाले हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ये प्रोग्राम कैसे करें, सभी को पता होना चाहिए। तो जिस तरीके से आज हम लोग मिले हैं यहाँ पर आप सभी बच्चे, ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग हर दिन मिलेंगे, है ना। हर दिन पहले का मतलब वो सप्ताह में 3 दिन आपके क्लासेस लगेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि सप्ताह में 3 दिन आपकी क्लास चलाई जाएगी, और वो 3 दिन कौन सा होगा अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। कराई कैसे जाएगी, तो गूगल मीट पे, तो आपके ग्रुप में आप सभी लोग व्हाट्सएप पे हो, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप सभी को लिंक दिया जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आपके मोबाइल में गूगल मीट है, ठीक है, तो गूगल मीट के थ्रू ये सारी क्लास चलाई जाएगी, ठीक है, सप्ताह में 3 दिन। तो अगर गूगल मीट पे तो सभी के पास है, एक काम और कर लेना, इस क्लास के बाद सभी लोग ये इंश्योर करेंगे, कंफर्म कर लेंगे कि आपका जो गूगल मीट है ये अपडेट है या नहीं, तो इसको अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। सभी लोग क्या करेंगे, गूगल मीट को इस क्लास के बाद अपडेट कर लेंगे प्ले स्टोर पे जाकर, ठीक है। इतना चीज क्लियर हुआ, हाँ या ना, ये चैट सेक्शन में लिख के बताइए, इतनी बातें समझ में आई, क्लास गूगल मीट पे होगा, सप्ताह में 3 चीज होगी, 3 दिन होगा, हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है, मैथ्स पढ़ेंगे। तो वो 3 दिन कौन सा है, तो टाइम टेबल जल्दी से इस पेज के स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में नोट करके लिख लीजिए, ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है या कॉपी में नोट कर लेना है। कब कब होगा, सप्ताह में 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार। आज सोमवार है, आज आपकी पहली क्लास है, अगली क्लास आपकी बुधवार को लगेगी, उसके बाद तीसरी क्लास आपकी शुक्रवार को लगेगी, ठीक है, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। टाइम क्या होगा, 8:30 बजे से 9:30 बजे तक शाम में। नोट कर लिया सभी ने, जल्दी से इस पेज की स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ने के पहले थोड़ा मैं अपने बारे में आप सभी को बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको अपने टीचर के बारे में पता होना चाहिए कि मेरा नाम क्या है वगैरह वगैरह, ठीक है, कुछ बेसिक बातें आपको पता होना चाहिए, एक संक्षिप्त परिचय। तो आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजा गया था, एक पोस्टर मैं सेंड किया था, तो आप सभी ने पढ़ा भी होगा उसे, ठीक है। तो मेरा नाम क्या, ये मेरी पिक्चर लगी हुई है, मेरा नाम पंकज कुमार है, ठीक है, तो ये रखना है ध्यान कि मेरा नाम पंकज है, मैं कहाँ से पढ़ा रहा हूँ, पटना बिहार से, और ये आपकी क्लास में ले रहा हूँ, ये मैं आपकी क्लास भी पटना से ही ले रहा हूँ, ठीक है। और मेरी जो योग्यता, मतलब मैंने क्या कर रखी है, मैंने बीएससी कर रखी है। बीएससी क्या होता है, कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता है, बीएससी का मतलब क्या होता है, बैचलर इन साइंस। बैचलर इन साइंस का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप सभी लोग क्लास 9th में है ना, उसके बाद क्लास 10th में जाओगे, उसके बाद क्लास 11th में जाओगे, फिर 12th पढ़ोगे, है ना। इस तरीके से कोर्स होता है 12th के बाद, बैचलर इन साइंस, है ना, तो वही मैंने कर रखी है। और मैं पिछले 5 वर्षों से क्लास 9 से क्लास 12th तक के बच्चों को मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्लास 9 से 12th तक के बच्चों को मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, काफी अच्छे अच्छे परिणाम भी आते। कुछ और चीजें जो भी आपको अगर पूछना हो तो आप क्लास के एंड में भी पूछ सकते हो, ठीक है, और मैं अवंती में काम करता हूँ, ठीक है। चलिए तो ये तो हो गया मेरा परिचय, अब आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको बता रहा था कि ऑनलाइन क्लास के बारे में सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, जैसे ऑनलाइन क्लास में क्या क्या फीचर्स आपको यूज करने हैं, ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। कुछ बच्चों को चैट के बारे में नहीं पता है, कुछ को अभी मैं पूछ रहा हूँ पोल के बारे में नहीं पता है ना, तो सभी कुछ समझते हैं कि ऑनलाइन क्लास आपको करना कैसे, क्योंकि आज आपकी फर्स्ट क्लास है ना, तो काफी बच्चों को नहीं पता होगा, ठीक। तो देखिये सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि अभी जो आप क्लास कर रहे हो, तो कुछ इस प्रकार से आप क्लास कर रहे हो, आपका मोबाइल सीधे खड़ा होगा और जो भी मैं लिख रहा हूँ या जो भी चीजें यहाँ पर आपको दिख रही होगी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ताकि काफी सारी चीजें आपको छोटी छोटी दिख रही होगी, जो मैं लिख रहा हूँ काफी छोटा दिख रहा होगा, तो यहाँ पर जो बॉक्स बना हुआ है जो कुछ इस प्रकार का दिख रहा होगा, तो इस बॉक्स पे आप क्लिक करो, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है, सभी लोग क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करोगे ऐसा वाला इंटरफेस खुल के आएगा, 2 नंबर का इंटरफेस खुल के आएगा, ठीक है। अब 2 नंबर का इंटरफेस में आपको क्या करना है, बहुत ज्यादा चीजें बड़ी नहीं होंगी। अब आपको क्या करना है, सभी के फोन में एक स्क्रीन रोटेशन का ऑप्शन होता है, क्या होता है, स्क्रीन रोटेशन, है ना, तो स्क्रीन रोटेशन को ऑन रखना है आपके फोन में, और मोबाइल को इस तरीके से घुमा लेना है, ठीक है, मोबाइल को इस तरीके से रोटेट कर लेना है, घुमा लेना है, ठीक है।
और जब आप इस तरीके से रोटेट कर लोगे है ना, तो आपको सारी चीजें बड़ी बड़ी दिखेंगी, है ना। तो जो भी मैं लिखूंगा वो साफ साफ दिखेगा, इतना क्लियर हुआ। तो आप इस तरीके से रोटेट करके क्लास को ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। तो इतना उम्मीद करता हूँ कितनी चीजें समझ में आ गई है, बड़ा करके देखो। उसके आगे आगे जो इम्पोर्टेंट है आपको क्या समझना है, कई बार मैं अभी तक आपको बता चुका हूँ कि क्लास में कभी भी आपका माइक नहीं ऑन होना चाहिए, माइक को बंद रखना है, म्यूट रखना है। और जैसे कि काफी अच्छी बात है कि आप सभी लोग अभी माइक भी बंद भी रखते हो, ये काफी अच्छी बात है, तो आपको ये चीज पता है। तो आपको पता कैसे चलेगा अगर किसी को भी पता है, जैसे किसी का तो ही माइक ऑन हो रहा था, तो देखो नीचे में एक माइक का ऑप्शन इस तरीके से दिख रहा होगा, इस तरीके से एक सिंबल बना होगा। तो आपको ये इंश्योर करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि यहाँ पर हमेशा एक कट का निशान बना है। कट का निशान बना हुआ इसका मतलब आप म्यूट हो, ठीक है। अगर आप इसको ऑन कर लो, जैसे ही आप ऑन करोगे क्या होगा, आपकी आवाज पूरे क्लास को जाएगी, और आपकी आवाज पूरे क्लास को जाएगी तो क्या होगा, डिस्टर्बेंस होगा। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि आप एक तरीके से क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो या शोर मचा रहे हो। आप स्कूल भी जाते हो तो स्कूल में क्या करते हो, शोर नहीं मचाते ना, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ भी आपको म्यूट रखना है, ठीक है, कभी भी माइक नहीं ऑन करना है, ठीक है। तो पहला चीज यही ध्यान रखना है कि माइक सभी का बंद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब सवाल उठता है कि जब भी मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ आपका कुछ डाउट हो जाए, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो आप क्या करोगे, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है कि डाउट होगा, मैथ्स पढ़ने में कुछ ना कुछ तो डाउट होगा, ठीक है, समझ में नहीं आएगी, तो आप मेरे से पूछोगे डाउट, जबकि मैं तो बोल दिया माइक नहीं ऑन करना है, माइक बंद रखना है, ठीक है। तो आप डाउट कैसे पूछोगे, तो डाउट पूछने के लिए आप क्या करोगे, देखो नीचे की तरफ तीन डॉट दिख रहे होंगे इस प्रकार, ठीक है, सभी को दिखा, तीन डॉट पे क्लिक करना है जब भी आपका कुछ डाउट हो जाए, ठीक है। या मैं कुछ भी क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे कि बताइए यस या नो लिखिए, है ना, तो आप क्या करोगे, तीन डॉट पे क्लिक करोगे जल्दी से, जैसे ही क्लिक करोगे ये वाला इंटरफेस खुल के आएगा, इन कॉल मैसेज एक ऑप्शन दिख रहा होगा, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इन कॉल मैसेज पे क्लिक करोगे, कुछ इस प्रकार का जो दिख रहा होगा, एक चैट सेक्शन खुल के आएगा, है ना, एक चैट बॉक्स खुल के आएगा, कैसा, व्हाट्सएप के जैसा, है ना, जैसा आप व्हाट्सएप यूज करते हो, व्हाट्सएप के बारे में सभी को पता है आज के डेट, ठीक है, सभी लोग मैसेज करते हो, बातें करते हो। तो आपको क्या करना है, इन कॉल मैसेज पे क्लिक करना है, इन कॉल मैसेज पे जो भी डाउट है आपको अपना सवाल लिखना है और लिखकर पूछ देना, इतना क्लियर है। तो अभी आइए सभी लोग इन कॉल मैसेज में, अपना नाम लिखिए सभी लोग, ठीक है, सभी लोग अपना नाम लिखे, ठीक है, नाम लिखिए सभी लोग, तब मुझे पता चल जाएगा कि सभी को कॉल से चैट सेक्शन के बारे में पता चल गया है, ठीक है। ऐसा मैं उसमें इसलिए कह रहा हूँ ताकि मुझे ये पता चले ना कि सभी को चैट सेक्शन के बारे में पता चल गया है, ठीक है। मोनू ने लिखा, मनोज ने लिखा, सभी लोग लिखे, नितिन ने लिखा, मोहित ने लिखा, वंदना, ठीक है, वेरी गुड, सभी बच्चे, अमन, अच्छा एक बार लिखना है मोनू, बार बार नहीं लिखना है, एक बार लिख दीजिए, ठीक है, रवि प्रकाश, करीना, अंकित, श्रवण, रोशनी, शुभम, ठीक है, सभी को पता चल गया, इसका मतलब सभी लोग लिख रहे हैं, उसका मतलब चैट के बारे में तो सभी का क्लियर है, लेकिन चैट में बातें नहीं करना है, ठीक है, चैट सेक्शन में क्या करना है, डाउट पूछना है, ठीक है, यानी मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा वो करना है। अब आगे बढ़ते हैं, एक चीज और काम का है, ठीक है, जब आप तीन डॉट पे आपने क्लिक किया, जब आप तीन डॉट पे क्लिक किए थे नीचे, तो ये वाला इंटरफेस खुल के आया था, यहाँ पर एक ऑप्शन एक्टिविटीज का दिख रहा होगा, अच्छा किसी का माइक ऑन है, नवीन, नवीन के नाम से जो बच्चे हो अपना माइक आप बंद कर दो प्लीज, ठीक है, माइक नहीं ऑन करना, चलिए। तो देखिए जब भी आप तीन डॉट पे क्लिक किए थे अभी, जहां से इन कॉल मैसेज आया था, नीचे में एक ऑप्शन और दिख रहा होगा एक्टिविटीज का, दिख रहा है सभी को, हाँ या ना, चैट में लिख के बताइए, है ना, तो ये एक्टिविटीज आए, अच्छा किसी का माइक ऑन है, आपको माइक बंद रखना है, ठीक है, आप बार बार माइक ऑन कर रहे हो, क्लास डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है, तो आपको कभी भी ये ट्राई करना है कि माइक आपका नहीं ऑन, ठीक है। नवीन फिर से आपका माइक ऑन हो रहा है, अगर आप बार बार माइक को ऑन करोगे तो हो सकता है आपको क्लास से रिमूव कर दिया जाए, ठीक है, चलिए माइक बंद कर दीजिए ना, देखो मैं आपका माइक बंद किया है, ऑन मत करना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, फिर अब विक्रम, विक्रम के नाम से जो बच्चे अपना माइक आप बंद कर दो, ठीक है, अगर इस तरीके से होगा तो फिर क्लास आगे नहीं बढ़ पाएगी,
माइक नहीं ऑन करना, गलती से ऑन होता है, आपको यही तो बोला ना, आपको ध्यान रखना है कि माइक पे हाथ ना लगे, तो ये आपकी ही जिम्मेदारी है, वरना फिर समझ में नहीं आएगा कुछ, आप ही लोग फिर बोलोगे कि सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब किसी का माइक ऑन होगा तो मैं क्लास से हो सकता है कि आपको रिमूव कर, फिर आप क्लास ज्वाइन नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते, तो एक चीज आपका क्या था, एक्टिविटीज, ये इंपॉर्टेंट है। तो एक्टिविटीज पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, कुछ इस प्रकार का जो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर कभी क्लिक करोगे, जब भी मैं आपको बोलूंगा कि आपको पोल सेक्शन में आंसर देना है, ध्यान से सुनिए, जब भी मैं बोलूंगा पोल सेक्शन में आंसर देने, आपको एक्टिविटीज पे क्लिक करना है, ठीक है। एक्टिविटीज पे जैसे ही क्लिक करोगे, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा, अभी नहीं दिखेगा, अभी आप क्लिक करके मत देखो, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, उसी वक्त ये दिखेगी, ठीक है, अभी नहीं ट्राई कीजिए, ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा फिर आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये जो वन पोल एक्टिव आ रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। अब जब यहाँ पर क्लिक करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर क्लिक करने के बाद एक क्वेश्चन आपको दिखेगा, क्वेश्चन का नंबर, जिसके चार ऑप्शन दिखेंगे, ठीक है। अब अगर आपको लगता है कि ऑप्शन बी सही है, इसमें से कोई भी सही हो सकता है, ए बी सी या डी, अगर आपको लगता है बी सही है तो बी पर आप क्लिक करोगे और कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे बी पर, तो ये जो वोट है ये ब्लू कलर का हो जाएगा, है ना, ब्लू कलर का हो जाएगा। उसके बाद भी आपका आंसर मेरे तक नहीं आएगा, ठीक है, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, इस वोट पर क्लिक करना होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वोट पर आपको क्लिक करना है, और वोट पर क्लिक करोगे तो वोटेड लिखा हुआ आएगा, और वोटेड लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब आपका आंसर सबमिट हो गया, ठीक है, तो आपका आंसर मेरे तक आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ, कैसे पोल सेक्शन में आंसर देना है, हाँ या ना ये बताइए, यस या नो, जल्दी से चैट में लिख के बताइए। अगर आपका आंसर यस है, समझ में आ गया, तो वाई लिखिए, कोई भी डाउट है तो एन लिखिए, समझ में आ गया तो वाई। सर एक बार फिर से बताना थोड़ा सा। ठीक है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए, जब भी मैं बोलूंगा, क्योंकि मैं ये रिपीट इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यही चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे यहाँ पर ज्वाइन, ईच एंड एवरी पर्सन, मतलब हर बच्चा पोल सेक्शन में आंसर करे, ठीक है। तो पोल सेक्शन में जब भी मैं बोलूँ कि चलो बच्चों पोल सेक्शन में आंसर करो, ठीक है, तो पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए आपको नीचे में जो तीन डॉट दिख रहे होंगे वहां पर क्लिक कर, तीन डॉट पर क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा एक्टिविटीज का, नीचे में देखिएगा दिखेगा आपको एक्टिविटीज का, इस पे क्लिक करना है। एक्टिविटीज क्लिक करने के बाद एक चीज दिखेगा वन पोल एक्टिव, है ना, तो इस पर क्लिक करना है, और वन पोल एक्टिव पे क्लिक करोगे उसके बाद ये वाला इंटरफेस दिखेगा, जो भी क्वेश्चन का जो भी आंसर आपको लग रहा है उस पर क्लिक करोगे, और वोट पर भी क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना भूलना नहीं, ठीक है, तभी आंसर आएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको जानना है, जब भी मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगा उस वक्त आपका चैट सेक्शन बंद हो जाएगा, मतलब उस समय आप चैट में कुछ नहीं लिख पाओगे, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि आप चैट में नहीं लिख पा रहे, क्योंकि आप चैट में नहीं लिख पाओगे जब भी पोल लॉन्च होगा। फिर जैसे ही पोल एंड होगा, फिर से आपका चैट सेक्शन ओपन कर दिया जाएगा, फिर आप चैट में लिख पाओगे, ठीक है। और अगर पोल फिर भी नहीं आ रहा है, तो आप एक बार क्या करोगे, क्लास के बाद गूगल मीट को अपडेट कर दोगे, ठीक है। अगर पोल सेक्शन या एक्टिविटीज का सेक्शन किसी के फोन में नहीं दिख रहा, तो गूगल मीट को अपडेट कर लेना है क्लास के बाद, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, अभी मैं आपको बता रहा था टाइम टेबल भी, तो इसका आंसर करिए सभी लोग। ये क्वेश्चन बस इसीलिए है ताकि मैं ये देख पाऊं कितने बच्चों को पोल सेक्शन के बारे में समझ आया है, ठीक है। देखिए, अभी आपका चैट सेक्शन बंद हो गया है, तो चैट में भी नहीं लिखना है, चैट में आप लिख भी नहीं पाओगे, पोल सेक्शन में जाइए आंसर करिए, अभी समझा रहा था ना पोल के बारे में। तो इससे मैं बस ये देखना चाहता हूँ कितने बच्चों को पोल के बारे में समझ आया है, क्योंकि जब क्लास में मैं क्वेश्चन पूछूंगा एक्चुअल, तो आपको आंसर करना होगा, ठीक है। काफी बच्चों ने तो आंसर किया, लेकिन सभी ने नहीं किया, ट्राई कीजिए, सभी का आंसर आना चाहिए, अभी तक सिर्फ और सिर्फ 5 बच्चों ने आंसर किया, ऐसा क्यों, जितने बच्चे हो सभी लोग ट्राई करो, अगर पोल के बारे में नहीं पता
जो बच्चे अभी ज्वाइन किए हो मैं समझा दे रहा हूँ। देखो नीचे देखिए तीन डॉट दिख रहे होंगे, मोबाइल स्क्रीन के नीचे की तरफ तीन डॉट, इस पर क्लिक करना है। एक ऑप्शन एक्टिविटीज का दिखेगा, है ना, कुछ इस प्रकार का सिंबल बना हुआ है, ठीक है। एक्टिविटीज पे क्लिक करिए, एक्टिविटीज पे क्लिक करने के बाद वन पोल एक्टिव लिखा हुआ है ना, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद क्या करना है, एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसके चार ऑप्शन दिख रहे होंगे, ठीक है, तो जो भी सही लगता है उस पर क्लिक करने के बाद वोट पर क्लिक कर देना, ठीक है। तो वोट पर भी क्लिक करना जरूरी है, ट्राई कीजिए, ठीक है। 10 सेकंड और रुकेंगे, 10 सेकंड में अगर आप काफी लोग आंसर कर चुके हो इसलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे, 10 सेकंड में एंड करके आगे बढ़े। 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1, चलिए अभी मैं पोल एंड कर रहा हूँ, ठीक है। और अभी देखो जैसे ही पोल एंड हुआ आपका चैट सेक्शन ओपन हो गया, अब चैट में आप आंसर कर पाओगे। अगर किसी भी रीजन से क्लास में आप क्या करोगे पोल में आंसर नहीं कर पाओगे तो चैट में आंसर कर देना, लेकिन पोल में आंसर करना जरूरी है, ठीक है, पोल में आंसर करना जरूरी है। तो कितने बच्चों ने, टोटल 13 बच्चों ने ही पोल में आंसर किया, तो ये बताइए बाकी बच्चों ने क्यों नहीं किया, ठीक है। तो पोल के बारे में अगर नहीं समझ में आया तो आपको चैट में लिख के पूछ लेना है, समझ में आया ना पोल के बारे में कैसे आंसर करना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 दिन, तो आपको पता है कि सप्ताह में 3 दिन हम लोग क्लास करने वाले हैं, ठीक है। अभी आपको रूटीन बताया जा रहा था कि मंडे, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, है ना, 3 दिन आपकी क्लास चलेंगी 8:30 बजे से 9:30 बजे तक, ठीक है, सप्ताह में 3 दिन क्लास चलेंगे। कितना क्लियर है जल्दी से चैट सेक्शन में लिख के बताइए, वाई या है। पोल के बारे में समझ में आ गया सभी को कि पोल में कैसे आंसर करना है, वाई या एन, समझ में आया तो वाई है। सभी को पोल के बारे में समझ में आ गया, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी है जो पोल में आंसर नहीं किए थे, तो एक क्वेश्चन और मैं पूछ रहा हूँ, इस बार ट्राई करोगे सभी को, ठीक है, इस बार मैं चाहता हूँ कि सभी लोग आंसर करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मैं ये बता पूछ रहा हूँ कि इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। ये मैथ्स का क्वेश्चन नहीं है, आपको लग रहा होगा कि ये सारे क्वेश्चन क्यों पूछे जा रहे हैं, ये बस इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि आपको सिखाया जा रहा है कि हम लोग क्लास कैसे करने वाले हैं, ठीक है। ये बाबा हमारा कासरवा है। अच्छा सचिन के नाम से जो बच्चे, अपना माइक आप बंद रखो, माइक नहीं ऑन करना, ठीक है। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, अभी भी टोटल 12 बच्चों ने आंसर किया है, जैसे ही आप आंसर करते हो पता चल जाता है कि आपने आंसर किया है नहीं, ठीक है। चलिए 10 सेकंड में पोल को एंड करके आगे बढ़ो, ठीक है। तो अगर आप अब तक आंसर नहीं किया तो जल्दी से आंसर करो, ट्राई करने से इससे मुझे ये पता चलेगा कि आपको पोल के बारे में पता चल गया बस। 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1, चलिए अब मैं पोल को एंड करता हूँ। और देखिए जैसे ही पोल एंड हुआ आपका चैट सेक्शन ओपन हो गया, तो अब चैट में लिख पाओगे, जब भी क्लासेस चलेंगी इसी तरीके से होगा, पोल एंड होगा फिर चैट ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप पोल में आंसर नहीं कर पाएगा तो चैट में आप आंसर कर दिया, ठीक है। चलिए तो अभी आपको बताया जा रहा है कि जो ऑनलाइन क्लास हमारी चल रही है इसमें हम लोग क्या पढ़ेगी, तो मैथ्स पढ़ने वाले, तो अभी के लिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स पढ़ेंगे, ठीक है। साइंस, हिस्ट्री या सभी सब्जेक्ट अभी नहीं पढ़ रहे, अभी हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। पोल के बारे में पता चल गया सभी को, कुछ और बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ध्यान से देख लीजिए जल्दी जल्दी कि जो भी क्लासेस चलेगी वो शांत जगह पर बैठकर आपको क्लास करनी, ठीक है, शोर गुल्ला में नहीं बैठना है ताकि सारी चीजें आपको समझ में आ सके, इसलिए शांत जगह पर बैठ जो भी क्लासेस करनी है, सभी के पास कॉपी और पेन होना चाहिए। हाँ बताइए सर, जैसे क्लास 8:30 बजे शुरू होती है सर, हाँ, तो उसके बाद में अगर ज्वाइन करें तो सर ज्वाइन नहीं होगी क्या? ज्वाइन हो जाएगी, लेकिन ट्राई करो कि 8:30 के 5 मिनट पहले ही ज्वाइन करो, बाकी नहीं। सर यहाँ पे दो बच्चे आए हुए बोल रहे हमारी क्लास ज्वाइन नहीं हुई, इनकी हो नहीं रही सर फोन में। नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, ठीक है, क्लास आप कभी भी ज्वाइन करो, ज्वाइन तो हो जाएगा, लेकिन ट्राई यही करना है कि क्लास टाइम पर ही ज्वाइन करना है, 5 मिनट पहले ज्वाइन करना, ठीक है। ठीक है, मैं क्लास शुरू होने के 15 मिनट पहले से यहाँ पर आता हूँ, ठीक है।
कोई भी डाउट हो तो आप पहले भी ज्वाइन करके डाउट भी पूछ सकते हैं। हाँ बताइए। ये शांत जगह पर बैठना है, इसका क्या मतलब है? आपकी आवाज नहीं आई, फिर से आप रिपीट करोगे प्लीज? ये शांत जगह पर बैठना सर है। शांत जगह पर बैठने इसलिए बोला जा रहा है कि मान लो अगर बहुत शोर में आप बैठकर पढ़ाई करोगे तो आप पढ़ पाओगे क्या? नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि तो एक शांत वातावरण चाहिए होता है पढ़ाई करने के, इसलिए लिखा गया कि शांत जगह पर बैठ के क्लास करना, ठीक है। उसके बाद आपके पास कॉपी और पेन होना चाहिए, क्यों? क्योंकि काफी बार मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। मैथ्स की पढ़ाई हो रही है ना, सिर्फ आपको देखना या सुनना नहीं है मूवी के जैसा, आपको क्या करना है? पेन पेंसिल कॉपी होना चाहिए। तो अगले क्लास में मैं सभी का कैमरा ऑन करके चेक करूंगा कि सभी के पास पेन पेंसिल कॉपी है या नहीं, ठीक है। तो ये अगले क्लास में करेंगे, आज फर्स्ट क्लास है इसलिए आपको सारी बेसिक चीजें मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्लास रोजाना समय से आना है, अभी यही बताया जा रहा था कि डेली क्लास करनी है। डेली करने का मतलब क्या हुआ? सप्ताह में 3 दिन जो क्लास का आपका रूटीन बताया गया, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, 3 दिन आपके क्लास लग रही है तो रेगुलर क्लास करना। नोट्स लिखना है, मतलब जो भी चीज मैं पढ़ा रहा हूँ साथ के साथ लिखते भी चलना है। कई बार आपका अगर छूट जाए कि बहुत सारी चीजें एक साथ लिखी हुई है आप लिख नहीं पा रहे, तो उस समय आप स्क्रीनशॉट ले लोगे, बाद में इसको लिख लोगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में कोई भी डाउट हो जाए तो आपको माइक ऑन करके नहीं पूछना है। अभी कुछ बच्चे माइक ऑन करके पूछ रहे थे, ठीक है। तो उससे क्या होती है, पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी, ठीक है। आपके वजह से पूरा क्लास डिस्टर्ब नहीं हो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए माइक बंद रखना है। डाउट जो भी होगा चैट सेक्शन में पूछना है, चैट बॉक्स में पूछना, ठीक है, लिख कर पूछना, ठीक। उसके बाद भी अगर आपका डाउट रह जाता है तो आप परमिशन ले लो, मैं जिसका नाम लूंगा वो बच्चे माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। जिसका नाम लूंगा, जब तक आपका नाम लेकर नहीं बोला जाए माइक नहीं होगा। पोल सेक्शन में आंसर देना ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार मैं आपको बोल चुका हूँ, ठीक है। इससे ये पता चलेगा कि आप कितना सीख पा रहे हो। आप स्कूल जाते हो आपको होमवर्क मिलता है, यहाँ पर भी आपको डेली होमवर्क दी जाएगी, जो भी होमवर्क दिया जाएगा आपको रेगुलर करना है, ठीक है। दो और छोटी छोटी बात है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मोबाइल चार्ज रखना है, ठीक है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कई बार आपकी मोबाइल चार्ज नहीं होने के कारण क्लास छूट जाए, ठीक है। तो मोबाइल कोशिश करना कि आपकी चार्ज रहे इतना कि पूरी क्लास आपकी चल जाए और अच्छे नेटवर्क वाली जगह पर बैठना है, ठीक है, जहाँ से क्लास सही से चल रहा है, ठीक है। नेटवर्क सही होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अगर कभी भी नेटवर्क का प्रॉब्लम, कई बार ऐसा हो कि मेरी आवाज नहीं जाए, है ना, साउंड में कोई प्रॉब्लम या स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम, स्क्रीन नहीं दिख रही, तो आप क्या करोगे, 10 सेकंड 5 सेकंड तो वेट कर लोगे, है ना, 5 सेकंड 10 सेकंड वेट करोगे। वेट करने के बाद क्या करोगे, एक बार लिफ्ट करोगे, अगर सही नहीं होगे तो एक बार लिफ्ट करोगे फिर से रिज्वाइन कर लोगे, है ना। तो कभी भी ऐसा प्रॉब्लम हो तो एक बार लिफ्ट करना, जल्दी से रिज्वाइन कर लेना, क्लियर है सारी चीजें, इतनी चीजें। चलिए तो अब देखते हैं क्या क्या नहीं करना है क्लास में। तो डिसिप्लिन मेंटेन करना है क्लास में हमेशा, जैसे आप स्कूल भी जाते हो तो आप डिसिप्लिन में रहते हो, अनुशासन में रहते हो, तो यहाँ भी आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है। मतलब क्या हुआ, कभी भी आपको अनम्यूट नहीं करना है, मतलब माइक नहीं ऑन करना है। अनम्यूट नहीं करने का मतलब क्या हुआ, माइक ऑन नहीं करना, माइक ऑन करोगे पूरी शोर मचेगी, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एक तरीके से आप क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो, क्लास की रिकॉर्डिंग होती है तो इसलिए आपकी ये जिम्मेदारी है कि क्लास डिस्टर्ब ना हो। कमेंट्स में क्या करना है, कमेंट्स में अनावश्यक बातें नहीं करना, करना क्या है, डाउट पूछना है, जो भी चीजें आपके डाउट हुई, जब मैं क्वेश्चन पूछूं आपको चैट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में लिखना है। कमेंट का मतलब ये हुआ चैट सेक्शन या चैट बॉक्स, ठीक है। क्लास छोड़कर नहीं जाना है कभी बीच में, पूरी क्लास करनी है रेगुलर, और कोई भी डाउट नहीं रखना है। ऑब्वियसली बात है, जो भी डाउट है आपका पूछे जाना है। अब जितना भी डाउट पूछोगे मैं सारे डाउट क्लियर करके ही क्लास लेकर आऊंगा, ठीक है। सारे डाउट पूछना है उसके बाद ही क्लास लेकर आना है। इतनी सारी बातें क्लियर है जो भी मैं आपको बताया, तो यस या वाई लिखिए। अगर कोई भी डाउट है जो नहीं समझ में आया तो एन या अनमोल, समझ में आ गया तो वाई लिखो। मैं चैट अभी देख रहा हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो आप सभी लोग यस लिख रहे हो। अब यहां तक देखिए, अभी तक तो मैं ये बता रहा था क्योंकि आपकी ये फर्स्ट क्लास था ना, तो फर्स्ट क्लास था इसलिए मैं ये सारी बातें बता दिया कि आपको क्लास करनी कैसे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ, कुछ नया चीज पढ़ते हैं आज। तो आपका जो पहला टॉपिक हम लोग जो पढ़ने वाला, वो अध्याय जीरो है, मतलब चैप्टर जीरो। चैप्टर जीरो कहते हो कि सर आपने बुक में चैप्टर जीरो कुछ नहीं होता, तो आज फर्स्ट क्लास है, काफी बेसिक चीजें पढ़ेंगे, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्या क्या चीजें हम लोग चैप्टर जीरो में पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट भी होगा, उस बच्चों को पता भी होगा,
अगर जिनको पता भी है वो ध्यान से सुनेंगे सारी चीजें, कहीं ना कहीं कुछ नया सीखोगे आप, ठीक है, आपके रिविजन भी हो, ठीक है। चलिए तो सबसे बेसिक चीजें हम लोग देखते हैं, पहाड़े, पहाड़ा सभी को पता है ना, सभी लोगों ने पहाड़े के बारे में सभी को पता है, टेबल्स के बारे में सभी को पता है, पढ़ा भी होगा आप सभी। तो मुझे चैट में लिख के बताइए कितने संख्या तक आप सभी को पहाड़े पता है, कहां तक के टेबल्स आप सभी को याद है, चैट सेक्शन में लिख के बताइए। माइक नहीं ऑन करना है, नवीन के नाम से जो बच्चे हो आप प्लीज अपना माइक बंद कर दो, अदरवाइज आपको क्लास से रिमूव कर दिया जा सकता है, ठीक है। सर मैं क्लास हटा रहा हूँ। क्या बोला आपने? चलिए पहले तो म्यूट कर दीजिए और जो भी आपका डाउट है वो चैट सेक्शन में लिख दीजिए। तो यहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि मैक्सिमम कुछ बच्चे तो बोल रहे हैं 12 तक, कुछ बच्चे बोल रहे हैं 35 तक, कुछ 16 तक और कुछ 20 तक, मतलब मैक्सिमम यही देख पा रहा हूँ कि 20 तक के टेबल तो सभी को याद है मैक्सिमम, ठीक है। तो सबसे पहला चीज यही है कि 20 तक का टेबल सभी को याद होने चाहिए, 1 से 20 तक के टेबल्स आप सभी को याद होने चाहिए, ठीक है। जिनका भी माइक ऑन है नवीन के नाम से जो बच्चे हो आपको मैं क्लास से रिमूव करता हूँ, ठीक है। अब किसी का भी माइक ऑन होगा तो मैं क्लास से आपको रिमूव कर दूंगा, ठीक है। तो बार बार क्लास स्टॉप कर रहे हो आप लोग, तो उस बच्चों को हो सकता है मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा, ठीक है। आपका माइक ऑन होगा, विक्रम के नाम से जो बच्चे आपका भी माइक ऑन है तो आप भी माइक बंद करिए अभी। तो पहाड़े 1 से 20 तक तो आपको याद कर लेना है, ठीक है, तो और याद भी होगा आप सभी। लेकिन पहाड़े बनते कैसे? बात तो ये है कि ठीक है पहाड़ा याद है, लेकिन पहाड़ा जो भी पहाड़ा मुझे नहीं याद है उसका पहाड़ा मैं कैसे लिख पाऊंगा, ठीक है। पहाड़े का आधार क्या है? अच्छा चलिए माइक नहीं, माइक बंद करिए, चलिए समझते हैं। पहाड़ों का आधार क्या है, बेसिस ऑफ टेबल क्या है, कैसे पहाड़े बनते हैं, ठीक है। कभी देखिए दिख रहा है एक का टेबल, एक का टेबल तो आप सभी को पता है, ठीक है। अच्छा विक्रम के नाम से जो बच्चे हो आपको मैं क्लास से रिमूव कर रहा हूँ। अच्छा सचिन के नाम से जो बच्चे हो आपका भी माइक ऑन हो रहा है, कर दे बंद। तो एक का टेबल मैं यहाँ पर क्यों लिखा हूँ? तो एक का टेबल तो सभी को याद है, काफी आसान होता है। जिस तरीके से आप नंबर लिखते हो एक एक कम एक, एक दो नी दो, एक तीन तीन, है ना, तो एक का टेबल तो काफी आसान होता है, एक दो तीन चार आप इस तरीके से नंबर लिख देते हो। लेकिन यहाँ पर समझिए कि टेबल बनते कैसे, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए एक गुना एक कहने का मतलब क्या हुआ, एक एक कम एक कहने का मतलब क्या हुआ, एक को एक से गुना कर, या आप कह सकते हो एक को एक बार लिखा गया, है ना, एक को एक बार लिखा गया। एक गुना दो लिखने का क्या मतलब हुआ, एक गुना दो लिखने का मतलब हुआ एक को दो बार लिखकर जोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक गुना दो भी करेंगे तो दो मिलेगा, एक को दो बार जोड़ेंगे तो भी दो मिलेगा, है ना, एक को दो बार जोड़ोगे तो भी दो मिलेगा। एक गुना तीन कहने का मतलब क्या हुआ, एक गुना तीन कहने का मतलब हुआ एक इंटू थ्री लिखो आप, चाहे एक को तीन बार जोड़ दो, है ना, एक को तीन बार जोड़ दो, इतना क्लियर है। अगर मैं बोलूं एक गुना सात, तो मुझे बताइए एक को कितने बार जोड़ा गया होगा, एक गुना सात कहने का मतलब एक को कितने बार जोड़ा गया होगा, तो आप बोलोगे एक को सर सात बार जोड़ दिया गया, है ना, तो आप एक को सात बार लिखोगे और जोड़ दोगे, इतना क्लियर है। एक को सात बार जोड़ने पर सात मिलेगा, कितनी बातें क्लियर है, तो जल्दी से चैट सेक्शन में यस लिख के बताइए, कितनी बातें क्लियर है। एक गुना पांच कहने का मतलब क्या हुआ, एक को पांच बार जोड़ा गया, तो यही चीज यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, है ना। एक गुना चार कहने का मतलब देखिए एक को चार बार जोड़ दिया गया और कुछ नहीं किया। इसी तरीके से कोई भी टेबल आप लिखो तो आपको यही पैटर्न फॉलो करना होता है। पहाड़े बनते इसी तरीके से, भले हम लोग एक के टेबल पर सीख रहे हैं आगे के टेबल भी इसी तरीके से हम लोग लिख पाएंगे, ठीक है। चलिए एक गुना दस तो आप दस बोल दो, अब मुझे बताइए आप अगर इस तरीके से लिखो एक गुना ग्यारह, तो एक गुना ग्यारह कहने का मतलब क्या हुआ, एक गुना ग्यारह का वैल्यू कितना आया ये बताइए, एक को मैं अगर ग्यारह से गुना करूँ तो कितना आया। आप यहाँ पर एक चीज देख पा रहे होंगे आप सभी लोग कि जब आप एक को एक से गुना किया तो एक मिला, जब एक को आपने दो से गुना किया आपको दो मिला, जब आपने एक को छह से गुना किया आपको छह मिला, जब आपने दस से गुना किया तो दस मिला, तो यानी एक को जब ग्यारह से गुना करेंगे तो ग्यारह मिलेगा, एक को अगर मैं पैंतीस से गुना करूँ तो कितना मिलेगा बताइए,
एक को अगर मैं 35 से गुना कर दूं तो 35 मिलेगा, है ना। एक को अगर मैं 15 से गुना कर दूं 15 मिलेगा, है ना। तो एक में किसी भी संख्या से गुना करने पे वही संख्या रिपीट हो जाती है। इतना क्लियर है कि एक में किसी भी संख्या से गुना करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, है ना। तो आप लिख सकते हो एक इंटू ए बराबर ए, अगर ए से गुना किया गया एक से तो ए ही मिलेगा। तो यहाँ पर ए कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है। इतना क्लियर है, किसी भी संख्या में गुना करोगे अगर एक से तो वो संख्या नहीं बदलेगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक बॉक्स बना रहा हूं, ठीक है, इसमें मैं 20 से गुना किया और मुझे सॉरी और 20 मिला, तो मुझे बताइए इस बॉक्स के अंदर कौन सी संख्या रही होगी, इस बॉक्स में कौन सी संख्या रही होगी। किसी संख्या में अगर 20 से गुना करने पर वो संख्या, आप ऐसे बोलोगे कि संख्या देखिए सर अगर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, वही वाली संख्या रिपीट हो रही है, तो आप एक से गुना किए, है ना। तो आप कह सकते हो कि अगर 23 से गुना कर दूं और 23 ही मिल रहा है, 23 ही मिल रहा है, अगर संख्या नहीं बदल रही है, वही संख्या आ जा रही है, इसका मतलब आपने गुना एक से किया। इतना क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है तो बताइए यस या नहीं। एक में किसी भी संख्या से, दो चीज आप यहां से समझे, ठीक है, दो चीज ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या में एक से गुना करने पे वही संख्या आएगी। पहली चीज तो यही है कि अगर मैं 15 में एक से गुना करूं तो 15 मिलेगा, पहला चीज तो ये ध्यान रखना। दूसरा चीज, अगर मैं पूछ रहा हूं कि किसी संख्या में किसी संख्या से गुना करने पर संख्या नहीं बदल रही है, तो आप बोलोगे सर आपने एक से दो, दोनों ही चीज बताओ, ठीक है। आगे बढ़े तो आगे हम लोग देखते हैं दो का टेबल। तो दो का टेबल भी सभी को याद है ना, दो का टेबल सभी को याद है। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, दो एकम दो, ठीक है, दो दूनी चार, इस तरीके से आप बढ़ते हो, छह दो तीन चौके आठ, पंजे दस, छठे बारह, छठे चौदह, सोलह अठारह बीस, है ना। दो का टेबल सभी को याद है। तो मुझे बताइए अगर मैं लिख रहा हूँ 2 × 3 बराबर छह, दो तीय छह, दो तीय छह का मतलब दो से तीन की गुना किया, दो में तीन से गुना किया, या आप ऐसे लिख सकते हो ना 2 + 2 + 2, है ना। तो यहां से आप देख पा रहे होगे कि दो के तीन से गुना करना भी छह देगा और दो को तीन बार जोड़ना भी छह देगा। कितना क्लियर है। तो अगर मैं बोलूं 2 × 8 = 12, सॉरी 16, 2 × 8 = 16, इसका मतलब दो को कितने बार जोड़ा गया होगा बताइए, इस वाले में बताइए दो को कितने बार जोड़ा गया होगा। 2 × 8 = 16 में आप बोल सकते हो ना दो को 8 बार जोड़ा गया होगा सर, ठीक है। 2 × 5 = 10 में दो को 5 बार जोड़ा हो गया होगा, आप सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हो ना कि दो को 5 बार जोड़ दिया गया होगा, ठीक है। और दो को 5 बार जोड़ोगे तो आपको 10 मिल जाएगा, ठीक है। यही चीज दिख रही है यहाँ पर, तो अभी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि टेबल में जो भी संख्या के हम गुना करते हैं उसको उतनी ही बार जोड़ा जाता है और कुछ नहीं किया जाता, ठीक है, इसी तरीके से टेबल बनता है। अब देखिए टेबल एक तरीके से और आप देख सकते हो, जैसे कि आपने यहाँ पर 2 लिख दिया, 2 × 2 = 2 होगा, पहली संख्या तो आप वही संख्या लिख दोगे जिसके लिए आपको टेबल लिखना। अगली 2 × 2 में क्या लिखोगे, इस वाले 2 में आप 2 जोड़ दिया, ठीक है। अब 4 के आगे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, इस वाले में 2 जोड़ दिया। तो जिस भी संख्या की आप टेबल लिख रहे हो उतना आप जोड़ते जाओ, आपकी अगली संख्या मिलती जाएगी, ठीक है। तो 10 में 2 जोड़ा 12, 12 में 2 जोड़ा 14, समझ में आया। तो इस तरीके से 2 जोड़ते जाओगे आपको अगली संख्या मिलती जाएगी, चाहे वो कोई भी संख्या का टेबल, चाहे 2 का हो, 5 का हो, 6 का हो, इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़े, क्लियर है। अब एक चीज और ध्यान देना है, 2 के टेबल में जितने भी नंबर्स आएंगे, यहाँ देखिए 2 के टेबल में जितने भी नंबर आ रहे हैं सभी के सभी सम संख्या आते हैं, सम संख्या आते हैं। तो अभी क्वेश्चन उठता है कि सम संख्या क्या होता है सर, कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, तो देखते हैं सम संख्या क्या होता है, ठीक है। देखिए 2 के टेबल में जितने भी नंबर आ रहे हैं उसके अंत में देखिए क्या दिख रहा है, 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 और लास्ट में 0 दिखा। फिर देखिए यहाँ 2 दिखा, 4 दिखा, 6 दिखा, 8 दिखा, फिर 0 दिखा। 2 के पहाड़े में कोई भी संख्या ऐसा आपको दिखा क्या जिसके अंतिम में 1 हो, जिसके अंतिम में आखिरी डिजिट 3 हो, बताइए ऐसा कोई भी संख्या दिखा क्या। 2 के पहाड़े में कोई भी संख्या ऐसी है
जिसके आखिरी में एक हो, तीन हो, पांच हो, सात हो या नौ हो, ये बताइए चैट में लिख कर। आप बोलोगे नहीं सर, ठीक है। तो कभी भी एक, तीन, पांच, सात, नौ से खत्म होने वाली संख्या दो के टेबल में नहीं आएगा, ठीक है। ऐसा क्यों है? तो इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं सम संख्या और विषम संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है सम संख्या और विषम संख्या, इवन नंबर और ऑड नंबर, ठीक है। तो इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, इसको समझते हैं। तो देखिए अंक दो चीज होता है, एक होता है अंक, एक होता है संख्या, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल संख्या कितनी होती है, तो संख्या का कोई लिमिट नहीं होता, वो अनगिनत होती है। संख्या कितने होते हैं, अनगिनत होते हैं, संख्या की कोई गिनती नहीं है, वो हमेशा कभी खत्म नहीं होगा। अच्छा, किसी का माई कौन है, रवि के नाम से जो बच्चे हो, या जिनका भी माई कौन है, आप माइक अपना बंद कर दो। तो संख्या तो अनगिनत होते हैं, लेकिन ये जो संख्याएं होती हैं, ये बनते किससे हैं, अंकों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। संख्या क्या होते हैं, अंकों से मिलकर बने होते हैं, ठीक। तो टोटल अंक कितने होते हैं, तो टोटल आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 अंक होते हैं, ये ध्यान रखिए। टोटल कितने अंक होते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको 10 अंक होते हैं आपके पास। इन्हीं 10 अंकों से आपको जो भी संख्या बनानी हो वो संख्या बना सकते। तो 1 से 9 तक तो टोटल 9 संख्याएं होंगे, सॉरी 9 अंक होंगे, और 10वां अंक आपका 0 होगा। टोटल 10 अंक आपको समझ में आ गया क्या, कि टोटल 10 अंक कौन कौन से हैं, 1 से 9 तक टोटल अंक हो गए और 1 0 हो गए, तो टोटल 10 अंक हो गए। अब इन्हीं 10 अंकों से आप कोई भी संख्या बना सकते हैं। अब अंकों को या संख्या को दो कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। दो टाइप के संख्या या अंक होते हैं, पहला होता है सम संख्या, दूसरा होता है विषम संख्या, ठीक है। अब सम संख्या विषम संख्या क्या होता है, कोई भी संख्या जिसके आखिरी में, मतलब लास्ट डिजिट, मतलब अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं 216, इसके आखिरी में क्या दिख रहा है, ये 6, तो 6 को क्या कहते हैं, इकाई अंक, क्या कहते हैं, इकाई अंक, ठीक है, या आखिरी अंक कह सकते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो आखिरी में अगर किसी भी संख्या के अंत में 0 दिख जाए आप, ठीक है, 2 दिख जाए आप, या 4 दिखे, 6 दिखे, या 8 दिखे, तो ऐसे सभी संख्या क्या होंगी, सम संख्या होगी, ठीक है। सम संख्या मतलब इवन नंबर, ये समझ में आया, कि 0, 2, 4, 6 या 8 से खत्म होने वाली संख्या या यूनिट डिजिट पे इकाई अंक पे अगर 0, 2, 4, 6, 8 है, तो ऐसे संख्या को सम संख्या कहेंगे, क्लियर है। अगर मैं बोलूं किसी संख्या के यूनिट डिजिट पर, है ना, यानी अंतिम में आखिरी डिजिट अगर 1 हो, 3 हो, 5, 7 या 9 हो, तो ये सारे क्या होंगे, विषम संख्या हो जाएगी, ये बताइए। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है कि सम क्या होगा, विषम क्या होगा। यहां पर आप देख भी पा रहे हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इस पेज की। तो 0, 2, 4, 6, 8 ये सम अंक हैं, और इन जो भी संख्या 0, 2, 4, 6, 8 पे खत्म हो इकाई स्थान पर, ये अंक हो 0, 2, 4, 6, 8, वो सम संख्या होगी। और किसी संख्या के इकाई अंक पर लास्ट में अगर 1, 3, 5, 7 या 9 आए, तो वो विषम संख्या होगी, ठीक है। तो चलिए अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जल्दी से, चैट सेक्शन में आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1, मुझे एक बात बताइए, अगर मैं लिख रहा हूँ 213, तो ये सम संख्या है या विषम संख्या, अगर आपको लगता है सम तो ये लिखिए, अगर आपको लगता है विषम तो भी। 213 क्या है, चैट सेक्शन में लिखिए 213 सम संख्या है विषम संख्या है। इवन ऑड भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, सम विषम भी लिख सकते हो, यहाँ पर सभी के आंसर आ रहे हैं ऑड विषम संख्या है। क्यों, आप ये किसको देख रहे हो, आप इस 2 को देखें, देखा आपने, या आपने 3 को देखा, ये बताइए, आपने 2 को देखा या आपने 3 को देखा, तो आप बोलोगे आखिरी अंक को देखना है सर, ठीक है, जो लास्ट में, पहले वाले को नहीं देखना, आखिरी अंक को देखना है, 3, 3 क्या है, इकाई अंक क्या है, इकाई अंक या आखिरी अंक यहाँ पर 3 है, और 3 कैसा है, तो 3 एक विषम संख्या है, ना, 3 विषम संख्या है, विषम अंक है, तो कहेंगे ये संख्या विषम। मुझे बताइए अगर मैं लिखूं 520, तो ये संख्या कैसी है, सम संख्या है या विषम संख्या है, ए या बी,
इवन नंबर है या ऑड नंबर? 520। तो आप बोलोगे सर इवन नंबर है ना, क्यों इवन नंबर है? कि साफ दिख रहा है कि जीरो है यहाँ पर, तो जीरो से खत्म होने वाली संख्या सम संख्या होगी। ठीक है, नोट कर लिया सभी ने। तो हमने यहाँ से एक चीज और सीखा कि दो के टेबल में जितने भी संख्या आ रही थी वो दो जीरो दो चार छह आठ पे ही खत्म हो रही थी, तो दो के टेबल में हमेशा सम संख्या आए, मतलब किसी भी संख्या में आप अगर दो से गुना करते, दो में अगर आप किसी भी संख्या से गुना करते, यहाँ पर नोट कीजिएगा इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मैं दो में किसी भी संख्या से गुना कर दू, ठीक है, कोई भी संख्या हो, ये क्या आएगा? सम संख्या ही आएगा, है ना, इवन नंबर ही मिलेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर, अगर मैं दो में एक आठ से गुना कर दू, है ना, एक अगर सम संख्या से गुना कर तो 16 मिल रहा है जो एक सम संख्या है। लेकिन अगर आप दो में एक विषम संख्या से भी गुना कर, है ना, पांच क्या है, विषम संख्या है, लेकिन फिर भी सम ही मिल रहा है। तो दो में आप चाहे सम संख्या से गुना करो या विषम संख्या से गुना करो, आपका जो रिजल्ट आएगा वो सम संख्या ही आएगा। कितना क्लियर हुआ कि दो में आप किसी भी नंबर से गुना कर दो आपको इवन नंबर ही मिलेगा, सम संख्या ही मिलेगी। ठीक है, इतना क्लियर है तो वाई लिखिए। दो में आप सम से गुना करोगे या विषम से गुना करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सम ही दे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए आपके सामने पांच का टेबल दिख रहा है, पांच का टेबल बताइए सभी को याद है या नहीं याद है? यस याद हो, पांच का टेबल तो सभी को याद है, है ना? ठीक है, सभी को याद है। तो देखिए यहाँ पर समझना क्या है आपको, अगर मैं लिख रहा हूँ पांच गुना एक, इसका मतलब क्या हुआ? पांच को एक बार लिखा गया। पांच गुना दो, इसका मतलब क्या हुआ? पांच को दो बार लिख के जोड़ दिया गया। पांच गुना छह का मतलब क्या हुआ? पांच को छह बार जोड़ दिया गया, और कुछ नहीं किया, पांच को छह बार जोड़ दिया गया। टेबल लिखना हो किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले पांच लिख देंगे, अगला संख्या कैसे मिलेगा, इसी पांच में पांच जोड़ दो, अगला संख्या क्या मिलेगा, दस में पांच जोड़ दो, अगला संख्या कैसे मिलेगा, पंद्रह में पांच जोड़ दो बीस मिलेगा, बीस में अगला जोड़ दो पांच जोड़ पच्चीस मिलेगा, है ना। इस तरीके से जोड़ जोड़ के हम लोग लिख सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, पांच के टेबल में जितने भी अंक आ रहे हैं या तो जीरो पे खत्म होगा या पांच पे खत्म, देखिए जीरो पांच जीरो पांच जीरो पांच, है ना। तो पांच के टेबल में जितने भी संख्या है उसके अंत में या तो जीरो रहे या फिर पांच रहे, इसके अलावा कुछ नहीं रहे। ठीक है, तो हमने अब तक क्या देखा कि पहाड़े बनते कैसे हैं, या तो गुना करके लिखते हैं या जोड़ जोड़ कर लिखते हैं, और आपने ये भी देखा कि किसी भी संख्या को बार बार जोड़ना ही गुना कहलाता है। मतलब अगर मैं लिख रहा हूं पांच प्लस पांच प्लस पांच, इसको आप क्या लिख सकते हो, पांच इंटू कितनी, ये बताओ, ब्रैकेट में आप बक्से में क्या लिखो, पांच को तीन बार जोड़ने का मतलब क्या हुआ, पांच को कितना से गुना करोगे बताइए। तो आप बोलोगे सर पांच को तीन बार जोड़ना, तो तीन बार जोड़ना का मतलब पांच गुना तीन। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं कि तो यहां पर देखिए पहले तो ये देख लीजिए, पांच को तीन बार जोड़ने का मतलब पांच को तीन से गुना करना, दोनों ही बराबर होगा, दोनों ही पंद्रह देगा। अगर मैं बोलूं कि सात को चार बार आपको जोड़ना है, ठीक है, सात को चार बार जोड़ना है, तो आप क्या करोगे, यहां पर क्या लिखोगे, सात गुना कितना लिखोगे, सात को चार बार जोड़ने का मतलब सात गुना चार लिख दोगे, है ना, सात को चार बार जोड़ने का मतलब। तो किसी संख्या को बार बार जोड़ने का मतलब क्या होता है, उसको उसी संख्या से गुना करना जितनी भी बार आप जोड़ोगे। इसको डेली लाइफ में देखो आप कैसे यूज कर पाओगे, आप लोग मान लो मार्केट गए, ठीक है, आपने मार्केट गया आपने, ठीक है, वहां से आपने क्या खरीदा, बिस्किट खरीदा, ठीक है, अभी बिस्किट का रेट जो है वो पांच रुपए है, ठीक है, पांच रुपए, आपने कितना खरीदा, छह पीस छह पैकेट आपने खरीद लिए, ठीक है। अब मुझे बताओ कितना टोटल रुपए आप दुकानदार को दोगे, पांच रुपए के हिसाब से अगर छह पैकेट खरीद लिया तो आप क्या करोगे, आप ऐसा कर सकते हो, पांच पहला पैकेट का दाम पांच रुपया हुआ, दूसरे पैकेट का दाम पांच रुपया हुआ, तीसरे पैकेट का दाम पांच रुपया हुआ, इस तरीके से आप क्या करोगे, छह बार पांच पांच को जोड़ोगे, है ना। तो इतना करने में थोड़ा समय ज्यादा लग जाएगा ना, ठीक है, इतना जोड़ने में हो सकता है थोड़ा समय ज्यादा लग जाए। तो आप बोलोगे सर पांच को छह बार जोड़ने का मतलब एक ही संख्या को बार बार जोड़ा जा रहा है, आप सीधे सीधे पांच को छह से गुना कर दो ना, हमें 30 मिल जाएगा जल्दी से,
पांच के टेबल याद है तो और आसान हो जाएगा, 5 36। इतना क्लियर है? यस या नो? ठीक है बताइए जल्दी से, इतना क्लियर है सभी का? ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, तो 1 से 5 तक के टेबल यहाँ पर देखो खाली है, तो अभी मैं दिखा रहा हूँ सारे टेबल यहाँ पर लिखे हुए 1 से 5 तक। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक है, सभी को याद कर लेना है, ऐसे याद तो सभी को होंगे 1 से 5 तक के, जल्दी से पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो इसके स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको, और स्क्रीनशॉट लेके यस लिख के बताओ। ठीक है, ठीक है, तो समय हो गया, तो अभी क्या करते हैं, आज की क्लास इतना ही तक रखें, इसके आगे के टॉपिक्स हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, तो कोई भी अगर डाउट रह जाता है तो आप क्लास ज्वाइन करके 15 मिनट पहले आप पूछ सकते हैं, इसके आगे के टेबल हम लोग अगले क्लास में जो भी टॉपिक्स हैं आगे क्लास में करें। ठीक है, आपकी टाइम यही रहेगी 8:30 से 8:30, कोई भी डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हैं।